तो दोस्तों प्रीवियस जिस तरह स्टेटस को देखा है, इस तरह स्टेटस इंस्टाग्राम पर बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो दोस्तों आप भी खुद का फोटो लगा के इस तरह स्टेटस बनाना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखें, एकदम आसान है इस तरह स्टेटस बनाना। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे खराब लगे कमेंट भी कर दीजिए, और वीडियो बनाने में कोई भी परेशानी आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मेरे टेलीग्राम चैनल को आज तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो फोटो पिंच जो कुछ मैं यूज करने वाला हूँ सभी टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, और जो मैं इफेक्ट फोन यूज करने वाला हूँ सभी चीज़ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेटस को बनाने के लिए एलाइट मोशन ऐप को ओपन करना होगा, तो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। आप भी एलाइट मोशन ऐप ओपन कर लेना। तो देखो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लिया हूँ, तो आप भी एलाइट मोशन ऐप में आ जाना। और एलाइट मोशन में आने के बाद यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है प्रोजेक्ट ऑप्शन में आना होगा, और जो सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है ये दोनों प्रोजेक्ट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और सबसे पहले देखो जो सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट है इसको ओपन कर लेना। सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद इस प्रोजेक्ट का इंटरफेस कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर जो लिरिक्स है वो मैं प्ले सेट करके रखा हूँ, सॉन्ग लिरिक्स जो है प्ले सेट करके रखा हूँ, आपको ऐड करना नहीं होगा, खाली यहाँ पर फोन आपको डालना होगा। तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना फोन को, और लाइट मोशन में इंपोर्ट करना, और जो लेयर है ए लेयर में फोन को ऐड कर लेना। तो देख सकते हो मैं एंड तक लिरिक्स ऐड करके रखा हूँ, आपको यहाँ पर कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है जितने सारे लेयर है यहाँ पर। और नीचे देखो यहाँ पर जो मैं फोटो नंबर जो मैं देख कर रखा हूँ ये लेयर को फॉलो करके आपको फोटो ऐड करना है। देखो यहाँ से जो दो नंबर जो फोटो ऐड करोगे ये फोटो को 4 सेकंड से लेकर यहाँ पर जो बीट है देखो 8 सेकंड तक लाना होगा। देखो दो नंबर फोटो को ऐसे करके ये फोटो ऐड करना है। तो चलिए देखना, तो सबसे पहले देखो आपको फर्स्ट में आना है, फर्स्ट में आने के बाद प्लस ऑप्शन को टच करना है, मीडिया ऑप्शन में आना है, और जिस फोटो पर वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड करना है। तो फोटो ऐड करने के बाद दोस्तों ऊपर में जो 3 डॉट है यहाँ पर टच करना, और इधर से फिल कंपोजिशन एरर को टच कर देना, तो फोटो का जो लेयर है एकदम लास्ट में आ जाएगा। और ऐसे करके साइड में दबा के रखना होगा और एकदम नीचे आ जाना, और जो रेक्टेंगल 1 है उसके नीचे रखना होगा, तो एकदम नीचे आ जाना। और देखो यहाँ पर जो लेयर है ये लेयर को फॉलो करके देखो इतना दूर तक ये लेयर है, ये बिट तक 4.10 सेकंड तक ये लेयर है। तो ये लेयर को फॉलो करके आपको ये जो फोटो लेयर है ये फोटो लेयर को लाना होगा ये बिट तक। तो ये जो ऑप्शन यहाँ पर टच कर देना, तो देख सकते हो ये जो फोटो है ये फोटो हमारा ये बिट तक आ गया, तो जो फर्स्ट जो फोटो है वो ऐड हो गया। तो टोटल आपको 7 फोटो ऐड करना होगा, तो ऐसे करके 7 फोटो ऐड कर लेना। देखो सेकंड फोटो ऐड करने के लिए फिर से प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और फिर से और एक फोटो को ऐड कर लेना। ऊपर में जो 3 डॉट है वहाँ पर टच करना होगा, इधर से फिल कंपोजिशन एरर को टच कर देना, और इसको भी ऐसे साइड में दबा कर रखना होगा, और ये जो फोटो लेयर है उसके ऊपर रख लेना। और देखो नीचे आ जाना, यहाँ पर जो 2 नंबर जो फोटो लेयर मैं लिख कर रखा हूँ ये लेयर को फॉलो करके ये जो 2 नंबर फोटो ऐड किया है ये फोटो को इतना दूर तक लाना होगा। तो ये जो 2 नंबर फोटो लेयर है फोटो लेयर को टच करना, ये जो ऑप्शन है पर टच कर देना। तो देख सकते हो हमारा जो 2 नंबर जो फोटो है वो भी ऐड हो गया। तो दोस्तों ऐसा करके अब 7 फोटो ऐड कर लेना, और 7 फोटो ऐड करना हो जाने के बाद दोस्तों मैं 2 ही फोटो ऐड करके आपको दिखाता हूँ, मतलब दिखा रहा हूँ, नहीं तो ये जो वीडियो है बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आप लोग 7 फोटो ऐड कर लेना, और 7 फोटो ऐड करना हो जाने के बाद इसमें इफेक्ट दे देना। तो इफेक्ट देने के लिए एक बार बैक हो जाना, और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट इसमें आ जाना, और जो फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, रोड को टच करना होगा, कॉपी इफेक्ट कर लेना, और फिर से सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट में आना होगा। इसमें आने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो 7 फोटो ऐड करोगे 7 फोटो में ये इफेक्ट को पेस्ट करना होगा। ऐसे करके देखो जो फोटो लेयर है फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आना होगा, थ्रीड को टच करना होगा, और इधर से पेस्ट इफेक्ट करना होगा। तो ऐसे करके 7 फोटो में ये इफेक्ट को दे देना, और 7 फोटो में इफेक्ट देना। हो जाने के बाद दोस्तों एकदम फास्ट में आ जाना, फास्ट में आने के बाद यहाँ पर एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड करेंगे, तो उसके लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और दोस्तों जो ब्लैक स्क्रीन वीडियो इसको ऐड कर लेना। और इसको ऐड करने के बाद कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा ये वीडियो। तो ये वीडियो लेयर को क्या करना होगा, देखो ये जो वीडियो लेयर है वीडियो लेयर को टच करना, इसमें एक इफेक्ट देना होगा। तो इफेक्ट देने के लिए इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, ऐड इफेक्ट में आ जाना, और यहाँ पर जो इफेक्ट है ये वाला ऑप्शन में आ जाना, और यहाँ पर जो लुमा की जो इफेक्ट है ये इफेक्ट को ऐड कर लेना। स्टैंडर्ड सेटिंग को टच कर देना तो ऐड हो जाएगा, और जो लो है ये लो को आपको बढ़ा के
0.500 करना होगा। देखो 0.500 कर लेना और ऐसे करने के बाद दोस्तों साइड में टच कर देना। और देखो ये जो वीडियो है, ये वीडियो को सबसे पहले कॉपी लेयर कर लेना। कॉपी लेयर करने के बाद दोस्तों ये जो फोटो है, ये फोटो अब लेयर को फॉलो करके ये वीडियो लेयर को रखना है। तो देखो 4.10 सेकंड तक ये वीडियो लेयर को रखना है, बाकी पार्ट काट करके हटा देना होगा। तो यहाँ पर टच कर देना तो देख सकते हो हमारा जो फर्स्ट जो वीडियो है वो ऐड हो गया। तो सेकंड वीडियो ऐड करने के लिए फिर से यहाँ से पेस्ट लेयर कर देना। और पेस्ट करने के बाद दोस्तों फिर से आगे आ जाना। और आगे आने के बाद दोस्तों ये जो फोटो है, ये फोटो लेयर को फॉलो करके ये वीडियो लेयर को रखना है। तो बाकी पार्ट काट करके हटा देना। तो ऐसा करके आप 7 बार 7 वीडियो को ऐड कर लेना, जैसे कि मैं देखा है ऐसा करके। और ऐसे करने के बाद दोस्तों जो फोटो ऐड किया, ये फोटो को सेम फोटो दोबारा ऐड करना है यहाँ पर फिर से। तो उसके लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आना होगा और सेम फोटो दोबारा ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद दोस्तों ऐसा करके सबसे पहले जो ब्लैक स्क्रीन वीडियो है उसके नीचे रख लेना फोटो को। और जो बिट है जहाँ ये ब्लैक स्क्रीन वीडियो लेयर खत्म होता है वो बिट में आ जाना। और ये फोटो लेयर को टच करना, ये ऑप्शन है पर टच कर देना। तो ऐसा करने के बाद दोस्तों मूव वाला ऑप्शन में आ जाना, जूम ऑप्शन में आ जाना, ऐसा करके छोटा कर लेना। और जो ब्लैक स्क्रीन वीडियो है उससे थोड़ा बड़ा रखना है ये फोटो को। और जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा, ऐसा करके फोटो को इधर उधर करके एडिट कर लेना। और एडिट करना हो जाने के बाद दोस्तों ऐसा करके साइड में दबा कर रखना होगा फोटो लेयर को और ये वीडियो लेयर को, दो लेयर को इससे सेलेक्ट कर लेना। और यहाँ पर बीच में जो ऑप्शन है ये वाला